नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमाकांत। आप लोग सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूबर चैनल को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर बहुत धमाल मच चुका है, यहाँ से बहुत सारे फ़ोन का किलर बन चुका है। यहाँ से वो आगे निकल के ये आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 का सक्सेसर बोल सकते हैं, आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उसका कोई सैम्पल निकल गया, फोटो सैम्पल निकल गया, स्पेसिफिकेशन निकल का आया है। तो इस बारे में इस वीडियो में पूरा इस बारे में बताऊंगा। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जब बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह से जो भी वीडियो डालूंगा उस तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा आसूस प्रो जेन फोन मैक्स प्रो M1 जो भी था एक सक्सेसर फ़ोन, यहाँ पर जो हाईलाइट बचा है वो अभी तक भी किलर बन के रहा है। शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो एम रेडमी नोट 5 प्रो के आगे यहाँ पर उसका जो मेन हाईलाइट था 5000 बैटरी एंड उसका जो प्राइस रेंज था बहुत बजट सेक्शन में आ रहा था। यहाँ पर जो आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का लेके जा रहा है, वहाँ पर जो प्रोसेसर हम लोग को यूज करने के देखने के लिए मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलेगा। यहाँ पर कैमरा का बात करें तो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। वहाँ पर ट्रिपल कैमरा, एक हाईलाइट यहाँ पर दिया गया है, जो आसूस जेनफोन मैक्स प्रो में 2 कैमरा आपको मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको 3 कैमरा, एक नहीं दो नहीं 3 कैमरा आपको मिलेगा। और एक प्यार फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ्रंट में आपको कैमरा मिलेगा वो एक नॉर्मल सा जो 8 मेगापिक्सल में होता वही कैमरा डलवा दिया है। तो वहाँ पर जो फोटो सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फोटो सैंपल है इसका, ये फ़ोन का स्पेसिफिकेशन निकाल के थोड़ा लीकेज का इमेज आया है। यहाँ पर पूरा स्पेसिफिकेशन आपके पढ़ के बताऊँगा। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन आपके लिए आया है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 M2 के लिए, तो यहाँ पर 6 इंची का आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाए। यहाँ पर डिस्प्ले जो मिला है फुल HD डिस्प्ले मिला है, 6 इंच का आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। आप सर अनऑफिशियल फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है अभी तक, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल आपको कैमरा मिलेगा, 64 GB रैम का साथ आएगा, अप टू 128 GB तक रैम जो रोम है आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आपको स्नैपड्रैगन 660 का आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। यहाँ से ट्रिपल कैमरा आपको मिलेगा, यहाँ पर फुल HD, और एक बात है यहाँ पर फुल HD आपको डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी और एक बात है, यहाँ पर जो फ्रंट का आपको कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल रहेगा, और जो बाकी सारी सेंसर 5000 बैटरी ये सब तो मिलता है, ये भी आपको मिलेगा, 5000 बैटरी आपको मिलेगा आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो डाउट है इसका कुछ अभी तक स्पेसिफिकेशन आया स्नैपड्रैगन 660, तो ये कितना धमाल बन जाएगा M1 का सक्सेसर ये बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कैमरा जो हाईलाइट मेन हाईलाइट रखा गया है कैमरा को लेके ट्रिपल हाइट। बट आसूस जेनफोन मैक्स में ये जो बॉक्स आया M1 में अभी तक फ्रंट कैमरा इतना क्लैरिटी नहीं दे रहा है, जैसे भी अदर फोन शाओमी रेडमी हॉनर ये सब जैसे क्लैरिटी दे रहा है, अदर फ्रंट कैमरा ऐसे क्लैरिटी नहीं आ रहा, क्योंकि जो 8 मेगापिक्सल बहुत ठीक है 8 मेगापिक्सल है, बट उसका भी उतना 8 मेगापिक्सल क्लैरिटी हमको नहीं मिल रहा है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो में। एंड अभी तक पाए का अपडेट नहीं आया, पाए का अपडेट इस महीना लास्ट वीक या दिसंबर का फर्स्ट वीक आ जाएगा। तो और ये जो आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 ये डायरेक्ट आपको पाए का 100% मिलेगा, और लगभग ये दिसंबर महीना में रिलीज होना है, मतलब जनवरी का फर्स्ट वीक या दिसंबर का लास्ट वीक में ये रिलीज होने वाला है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2। तो इसको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बता दिया आपको, क्या क्या प्रोसेसर मिला है और कौन सा कितना स्क्रीन मिला है, कितना इंच स्क्रीन मिला, क्या क्या कैमरा फोकस मिलेगा, आपको सारा डिटेल्स बता दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरे से पूरी अच्छा लगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।